हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। और क्वेश्चन जो है, एक वस्तु का विक्रय मूल 100 रुपया है तथा लाभ 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी आपको ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 25% अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो बताएं इसको लिख सकते हैं कितना, 1/4। और नीचे वाला जो होता है तो क्या होगा, आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, और ऊपर जो भी होगा तो लाभ यहाँ कहेगा तो लाभ होगा और हानि कहेगा तो हानि होगा। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 4 × 1 कितना का लाभ हो रहा है, 1। और यही दे दिया है कितना, विक्रय मूल्य। यानी कि 5 = 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 = आपको कितना दे दिया है, 100। निकालना क्या है आपको, सीपी। तो सीपी ओरिजिनल क्या, नीचे वाला होता है। 4 = आपको निकाल देना है। तो क्या कीजिएगा इस तरीका से, तो 100 / कितना लिखिएगा, 5 × 4। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यही कितना चलाएगा, 80 रुपया। या इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, CP = अगर जो लोग नहीं समझा तो SP ले लेना है, इनटू क्या कीजिएगा, 100 SP, यानी क्या होगा, विक्रय मूल्य। और बटा में क्या लिखिए, 100 ± R। लाभ होगा तो प्लस लेना है, हानि होगा तो क्या लेना है, माइनस लेना है। इस तरीका से जो लोग नहीं समझे, तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है आपका, 100। ठीक है, और कितना इंटू कर दीजिएगा, 100। कितना का लाभ होता है, 25, तो 100 में प्लस जोड़ देना है। आर जो होगा से लाभ और हानि का दे दिए परसेंटेज वाला, तो कितना हो जाएगा, 125। इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5। इससे भी इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो कितना चलाएगा आपका, 80। यही आंसर चलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी आप आसानी से बना सकते। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी सबसे बड़ा कितना होगा, तो 7 का आपका निकालना है। तो आप रेशियो में भी अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, न भी जानते हैं तो कोई दिक्कत है, ऐसे बनाइए। तीनों कोणों का आपका कितना मान होता है, तो आप जानते हैं कि 100 कितना होता है, 80 डिग्री। अब 180 डिग्री निकालने, तो 7 तक क्या करना है, दे दिया, देखिए यहाँ समझिए, 3 दे दिया है, 5 है अनुपात, कितना है, 7। निकालना है सबसे बड़ा कौन है, 7। जिसको सबसे बड़ा, तो उसको ऊपर रख देना है 7, और सबके जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 8, 8 × 7 कितना हो जाएगा, 15। और इसमें इंटू कर दीजिए कितना से, 180 से। क्यों 180 से करेंगे, कि तीनों कोणों का मान कितना होता है त्रिभुज का, 180। इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो एक बार में कितना, 15, और फिर 15 × 2 = 30, 12, तो बरसाते कितना आपका चलेगा, 84 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आपको दो तीन तरह से, अगर छोटा पूछता कि सबसे छोटा कितना होता, तो छोटा वाला कितना हम लोग रखते हैं, 3, तब 12 + 3 कितना हो जाता, 36 हो जाता। इसको भी अगर निकालते तो इससे भी 12 से अगर गुना कर देते तो 12 × 5 कितना हो जाता, 60। यानी जिस तरीका से जिसको कहे, जिसको निकालने के लिए सबसे बड़ा कहता है इसलिए रखे ऊपर 7, सबसे छोटा कहता तो रखते यहाँ कितना, 3। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको जब भी बनाइए तो आप बाई ऑप्शन बनाइए। दिया गया है क्या, यदि x + √x = 90 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए बाई ऑप्शन बनाना है, क्या करना है, इस तरीका से, जैसे देखिए x है, रूट अंडर क्या है, x = कितना चलाना चाहिए, 90। इसको आप जानते हैं, दोनों तरफ बराबर इक्वल कर देते हैं, LHS, और इक्वल कितना कर देना है, RHS। आप पहले से जानते होंगे राइट और लेफ्ट को, हम लोग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, जो भी हम लोग का आंसर वही है चलेगा। तो अगर 80 रखते हैं तो यहाँ कितना आपका चलेगा, बाई ऑप्शन ए अगर रखते हैं तो, यहाँ अगर रूट अंडर 80 तो इसका तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, पहले से भी जानते हैं तो ई होगा नहीं। अब लेते हैं हम लोग 64 के, अगर लेते हैं ठीक है ऑप्शन बी, तो यहाँ हो जाएगा 64, और रूट अंडर कितना आप कीजिएगा, 64। तो इसका अगर निकालते हैं तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो 64 + 8 कितना चलेगा, 72। आना चाहिए था हम लोग के कितना, 90 डिग्री। ए भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर ऑप्शन, देखिए इसी तरीका से इसको साफ कर देते हैं, यहीं से समझते चलिए। अब देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 81, और रूट अंडर कितना हो जाएगा, 81। तो ये हो जाएगा 81 + 9, तो कितना चला है आपका, 90। दोनों तरफ कितना चला है आपका, 90 डिग्री। तो हम लोग के क्या जाएगा, दोनों तरफ 90 डिग्री नहीं कि ये 90 ही दे दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर क्या चलाएगा आपका, सी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान है, पूछा है एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है। तो कितना का आप जानते होंगे पहले से, संपूर्ण कोण पूछा है, इसलिए कितना का हो जाएगा, 360 डिग्री।
ठीक है, यही पूछता कि समकोण एक समकोण कितने के बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है 90 डिग्री के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है समकोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, और संपूर्ण बोला है यहां, ठीक है, तो संपूर्ण कितना 360 डिग्री, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए मेंसुरेशन का है आपका, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब परिधि वृत्त के क्या होता है, तो वृत्त के परिधि आप जानते हैं 2πr होता है, यही दे दिया है, क्या दे दिया है आपका पाई डी, समझते चलिए। तो इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले r आपको निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा d बटा 2। अब पूछा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल जानते हैं पाई r क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो r का कितना वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई, और इसको रखिएगा डी, डी बटा टू के क्या करना होगा आपको स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चला आया पाई, ई हो जाएगा आपका डी के स्क्वायर, और बटा में कितना चलाएगा 4। वही ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए आपका एवरेज स्पीड से, यह ए से बी तक ए एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी, वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल क्या है। अब देखिए इस क्या है, यहाँ से यहाँ तक कार जाती है, फिर यहीं से यहीं कार, यानी कि जो दूरी जब भी होगा तो निश्चित होता है, ठीक है, एक ही दूरी को तय किया जाता है, या इसी को यहीं से सेम दूरी के जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता, तो आप जानते होंगे औसत चाल इक्वल टू पहले से भी, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आज ध्यान रखिएगा, औसत चाल इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई, यानी एक के चाल कितना हो जाएगा आपको जो लेना होगा, डायरेक्ट फार्मूला से याद रखे या फ्लैट भी याद रख सकते हैं। वैसे भी जानते होंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, समय उससे आपको लॉन्ग प्रोसेस से जाइएगा, तो इसलिए इजी एक ट्रिक से याद रखिए, तो 2 कर देना है और फिर कितना कर देना है, तो 60 है तो 60 ले लीजिए एक्स का, 40 हो गया वाई का, 60 और 40 जोड़ दीजिए, तो 60 और 40 जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपको, ऐड कर दिए 100, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको, तो 6 दुना 12 बारचों को कितना हो जाएगा 48, कितना किलोमीटर चलाएगा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या होगा औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें यही ध्यान रखना है, औसत चाल बराबर क्या, फॉर्मूला अगर नहीं तो 2 से जितना जो दे देगा उसको 60 और 40 को क्या कर देना है गुना, और दोनों के जोड़ देना है, समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपया में बेचता है, 10% नुकसान यानी क्या, 10% के हानि लॉस होता है, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप का बना है, तो 10% को आप कितना लिख सकते हैं, तो 1/2 आप लिख सकते हैं, कितना 10 लिख सकते हैं ना, तो नीचे वाला जब भी होगा आपको ओरिजिनल वैल्यू होगा, इस पर सी पी आप निकाल सकते हैं, ऊपर बोले थे कि लाभ या क्या होगा आपका, हानि होगा। अब देखिए तो हानि क्या होता है, यहाँ नुकसान होता है, कितना का होता है, तो 10%, यानी कि 10 रुपया के चीज 1 रुपया के नुकसान, तो कितना में उसको बेचा गया है 90, तो समझिए कि 9 इक्वल टू आपको कितना निकालना है, दे दिया है 90, तो 10 इक्वल टू आपको निकालना होगा, तो कितना निकालिए 90/9 गुने कितना कर दीजिएगा 10, इससे इसको अगर कैंसिल तो 10, तो कितना आपका चलाएगा सी पी, क्रय मूल्य कितना चलाएगा 100। या आपको बताए थे कि सी पी इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, एस पी इंटू कितना कर दीजिएगा 100, और 100 प्लस माइनस क्या कर देना है यार, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो क्या माइनस, तो विक्रय मूल्य आपका इसमें भी दिया गया है कितना रुपया में बेचा जाता है 90 रुपया में, तो 90 गुने कितना कर दीजिएगा 100, और 10% के नुकसान होता है, तो यहाँ 100 में से 10 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलेगा आपका 90, इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो इस तरीका से भी बनाइएगा तो आपका कितना चलाएगा 100 ही आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले बारीकी से पढ़ लीजिए। किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है, 8% का लाभ लेने हेतु व्यक्ति को वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, तो समझिए बारीकी से।
8% के कितना यहाँ लाभ कमाने के लिए और 12% के क्या होता है आपका नुकसान होता है। तो 100 में से क्या करना है आपको माइनस कर दीजिए 12, तो 100 में से माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका 88, यही 88 इक्वल टू कितना दे दिया 110। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट आपको निकालना है लाभ, 8% के लाभ होता है तो 100 में क्या करना है जोड़ देना है 8, तो 100 कितना हो जाएगा 8, तो इसको लिख लीजिए 110 और बटा में क्या आ जाएगा आपका 88 इंटू कितना कर दीजिएगा 108। अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए तो 22 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और फिर कितना 7 को 28 इंटू कर दीजिए 7 5 35 और 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया 13, यानी कितना चलाएगा 135 रुपये। इस तरीका से भी बना सकते हैं, अगर फार्मूला बेस पे बनाते तो ऐसे बनाते, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता आपको सीपी। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू जानते हैं कि एसपी इनटू क्या आता होता है 100 और बटा में कितना होता है 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका विक्रय मूल्य दे दिया था कितना 110, तो यहाँ लिखते आप 110 इंटू करते कितना आप 100। ठीक है, अब 100 करते तो इसमें कितना नुकसान हुआ है आपका 12% के, तो इसमें से माइनस कर देते 88, समझिएगा बारीकी से। अब तब माइनस करते तो इस तरीका से इसको कैंसिल, तो ये कितना बार में आपका हो जाता है 4 बार में। ठीक है, और ये कितना 22 से 5 बार में, इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना चलाएगा 25 बार में, तो ए चलाया आपका कितना 125। ये जो आया 125 आपका क्या है क्रय मूल, पूछता कि क्रय मूल क्या होता है, इससे पहले वाला जो आप क्वेश्चन देखे तो 125 आया, लेकिन पूछा है क्या इसको 8% के लाभ लेने तो कितना रुपया में बेचना होगा, तो एसपी, तो एसपी निकालना है, तो एसपी इक्वल टू याद रखिएगा सीपी। ठीक है, इनटू में इस तरह से 100 प्लस माइनस आर और बटा में क्या कर देना है 100, प्लस माइनस जब लाभ होगा तो क्या लेंगे हम लोग प्लस लेंगे, प्रॉफिट, हानि होगा तो क्या लेंगे हम लोग माइनस लेंगे, तो यहां लाभ, तो सीपी, तो सीपी हम लोग कितना निकाल दिए 125। ठीक है, तो इसको यहां रख दीजिए 125 और फिर कितना का लाभ बोला है 8% का, तो 100 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 108 और बटा में क्या चला है आपका 100। देखिए यही यहां डायरेक्ट हम लोग इस तरीका से करेंगे तो बिना फार्मूला के ऐसे इजी में बना सकते हैं। ठीक है, यही ना लिखे थे 110 बटा 88। ठीक है, और फिर कितना यहाँ 108, तो यहाँ सिर्फ इतना, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना 4 और ये कितना बार में कट जाएगा 5, यहाँ इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में चलाएगा आपका 27 बार में, अब गुना कर दीजिए वही आ जाएगा, तो 7 5 35 और 5 दूना 10 और 3 कितना आ गया 13, 135। ठीक है, यही आया था, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस तरीका से बना सकते, यानी कि मेरे ख्याल से यहाँ तक आप आसानी से समझ गए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।